Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuous video on capital asset. देखिए हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है. हमने पूरा पूरा पढ़ लिया अब तक बेसिक कंसेप्ट कि कैपिटल एसेट कवरेज होता है. हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन कौन सी एसेट को हम कैपिटल एसेट बोलते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. इट बेसिकली बेस्ड ऑन दी पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ कंपटीशन, जो कि एक जनरल रूल पे एक बेस्ड है कि आपका जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा ईयर होगा, जिस ईयर में कैपिटल एसेट एसएससी ने बेची है, ठीक है, उस ईयर में वो क्या माना जाएगा, अगले साल क्या हो जाएगा असेसमेंट ईयर. जैसे मान लीजिए अगर 1920 में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई है या सेल हुई है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था. देन इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड सम एक्सेप्शंस, दैट मीन्स देर आर सम मीन्स एक कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पर ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है. जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो आपका असेसमेंट ईयर है वो कब होता है, देखते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल एसेट कब ट्रांसफर हुई है. बट कुछ एक्सेप्शन केसेस यहाँ पर जो है ये टर्म जो है चेंज होता है, ठीक है. जैसे हमने इंश्योरेंस क्लेम के अकॉर्डिंग पढ़ा था, ठीक है. फिर हमने जब स्टॉक को हम जो है कन्वर्ट करते हैं, SIT को कन्वर्ट करते हैं, तब उसमें हमने देखा इसको कैसे करता हूँ, इसे करते हैं, ठीक है. तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 45 में. आज हम एक नया सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 45(5), दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट. ये हम किसके अंदर पढ़ेंगे, सेक्शन 45(5). देखिए क्या है, एनी कैपिटल एसेट which is acquired by the government, which government, central government, क्या कर रहे हैं, compulsory acquire किया. देखो normally होता क्या है in practical life, इसका scenario का implication होता है. देखिए government क्या करती है, like basically अगर किसी area को develop करना होता है, like जैसे metro project आ रहा है, तो कवर करती है, एक साथ क्या करती है, काफ़ी सारी ज़मीन को वो acquire कर लेती है, ठीक है. अब जैसा मान लीजिए घर बना हुआ है, उसके ऊपर काफ़ी सारे फ्लोर बने हुए हैं, गवर्नमेंट ये तो बोल लेगी नहीं कि नहीं हमें तो बस ये दोनों एक्वायर करने हैं, तो पूरी जमीन ही करेगी ना, तो इसके अंदर जितने भी घर आएंगे वो सब जो है वो एक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट, ठीक है. सो इसको क्या बताऊँ, तो ये घर हाउस और लैंड का तो बेसिकली कैपिटल एसेट है. एंड आपको अच्छे से पता है कि कैपिटल एसेट में पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होता है, दैट इज 2 ईयर्स इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. उससे बता तो करेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है. फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट. पहला क्या है आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जहाँ से देखिए अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. अगर कोई किसी भी असेसी की अगर गवर्नमेंट अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर कर लेती है, ठीक है, और वो असेसी कौन है, इंडिविजुअल है और HUF है, तो उस केस में वो सेक्शन 1035 अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट से जितना भी कंपेंसेशन मिला वो 100% जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है. सर एक फिर से सुनाई क्या लेकर क्या बताना चाह रहा हूँ. देखो गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई ज़मीन जो वो एक्वायर करती है, अब वो ज़मीन या तो कोई एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कोई खेती बाड़ी कोई ज़मीन हो सकती है. अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड जो कि अर्बन में सिचुएटेड है, ठीक है, और वो SSC की गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, और SSC कौन है, वो इंडिविजुअल है और HUF है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिलेशन दे रही है किसको, इंडिविजुअल HUF को, कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी कंपनसेशन मिलेगा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करने में, तो उस केस में जितना भी अमाउंट लगेगा 100% जो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1035, ठीक है. इसके बाद अगर कोई और कैपिटल एसेट हो, अच्छा सर आपने अर्बन का बताते हो रूरल का बताओ, अगर आप ये एक सवाल पूछना चाह रहे हो कि रूरल क्या है, फिर तो आपको देखिए मेरी जो फर्स्ट वीडियो है कैपिटल एसेट की वो देखनी पड़ेगी, वहाँ तक एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जहाँ हमने पढ़ा था कि अर्बन रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एग्जेम्प्ट लिस्ट में आता है, दैट मीन वो कैपिटल एसेट मानी जाती है. जिसको कैपिटल एसेट माना ही नहीं गया तो उस पर गवर्नमेंट कैसे एग्जेम्प्शन देगी या उस पर कैसे टैक्स वे करेगी, ठीक है. तो पहले तो गवर्नमेंट ने बताया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लैंड या हाउस को एक्वायर करती है अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन में तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड हुआ तो एज पर सेक्शन 1035 इंडिविजुअल और HUF के केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. अगर कोई और कैपिटल एसेट है, दैट मीन्स अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड,
तो इस केस में देखिए गवर्नमेंट वाला की वो तो टैक्सेबल हो गया, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दे रखी है। अगर कोई गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है तो वो किसके अंडर आता है आपका, सेक्शन 45(5) के अंडर वो आपका रूल बनाया है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है। क्या बोला देखिए गवर्नमेंट, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कैपिटल एसेट अदर देन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड देन इट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। अब उस केस में देखिए कैपिटल गेन अगर अराइज होगा तो कैसे, कौन से ईयर में होगा, देखिए क्या लिखा है हमने, टैक्सेबल ईयर इन विच दी कंपनसेशन कंपल्सरी एक्वायर किया हो, कंपनसेशन मिल गया, यानी कि जिस ईयर में गवर्नमेंट से एसएससी को कंपल्सरी एक्विजिशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, एसएससी को जो भी मिलेगा उसी ईयर में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। 16-17 में मिला तो टैक्सेबल कब होगा, वो इस ईयर में टैक्स हो गया अब 17-18 में। 19-20 में मिला तो कब टैक्सेबल होगा, वो 2021 में। इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखिए क्या होगा, पी ओ एच दैट इज पीरियड ऑफ होल्डिंग टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। देखिए हो सकता है कि गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी आज जो है एक्वायर कर ली, बट कंपनसेशन आपको 4 या 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो टैक्सेबल तो आपका 4-5 साल बाद होगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक होगा वो आज तक ही माना जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो वो गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुके हैं ना, ठीक है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक होगा, टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। देखिए इसका सिंपल एग्जाम्पल देखिए, इन द फाइनेंशियल ईयर 2-3 द एसएससी परचेज्ड अ लैंड ऑफ ₹10 लाख, देन इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16 गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड दिस कैपिटल एसेट एंड फिक्स्ड अ कंपेंसेशन ऑफ अमाउंटिंग ₹75 लाख, ओके, एंड देन द गवर्नमेंट पेड दिस कंपेंसेशन इन टू इंस्टॉलमेंट्स, फर्स्ट इन 1920 दैट इज ऑफ ₹5 लाख एंड देन इन 2021 ऑफ ₹70 लाख, ठीक है। अब देखिए अभी ऊपर देखिए स्टेटमेंट क्या लिखे यहाँ पर, पहले आपको देखना है टैक्सेबल ईयर, कौन सी ईयर में आप टैक्स दोगे, कौन से ईयर में टैक्स देना आपको, सर 1920 में, क्योंकि 1920 में पहला जो कंपनसेशन मिला, वेरी गुड। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, 2-3 से लेकर अप टू दिस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो गवर्नमेंट ने हुआ कंपल्सरी रिकवर कर लिया, एंड कंपल्सरी एक्वाइजेशन गवर्नमेंट करती है तो उसको ट्रांसफर मानते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर की डेफिनेशन माना गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कैपिटल एसेट को एक्वायर करती है अंडर कंपल्सरी एक्विजिशन, तो उस केस में उस केस को वो ट्रांसफर माना गया है, ठीक है। सो इस पीरियड ऑफ होल्डिंग में ये जो मैंने येलो बनाया है दैट इज को बनेंगे हम पीरियड ऑफ होल्डिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वी विल डिसाइड वेदर दिस कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर टैक्सेबल कौन सी ईयर में होगा, 1920 में, 2021 में, या दोनों ईयर में। देखिए वैसे तो इन प्रैक्टिकल लाइफ कभी भी गवर्नमेंट ऐसे टू इंस्टॉलमेंट में कभी पेमेंट नहीं करती, गवर्नमेंट हमेशा दो इंस्टॉलमेंट में करती है। मैंने आपको जान मुझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि अगर कभी एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया सो उसको आपको कैसे डील करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, जिस ईयर में जो पहला आपको कंपनसेशन मिला उसी ईयर में वो पूरा टैक्सेबल होगा, दैट मीन्स 1920 में, ठीक है। तो असेसमेंट डेट कौन सा हो जाएगा, 2021 में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा, 75 लाख, लेस करेंगे हम इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में परचेस की थी, 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय, आपको देखना है कौन सी ईयर में आपने ये एसेट जो है ट्रांसफर की, कौन सी ईयर में, 15-16 में, ठीक है। तो 15-16 का आपका जो इंडेक्सेशन कितना है, 254, ठीक है। 2-3 का कितना है, 105, बस डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा वो आप करेगा ICOAR 24,19,048, ठीक है।
Now this amount comes to 50,80,952. ये क्या है आपका एल टी सी जी, ठीक है। आपको देखिए ध्यान यहाँ पे देना है, तो यहाँ पर देना है कि कैपिटल एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग कब तक था, 1560 था, तो 1560 में ट्रांसफर, तो 1554 से मिटा करोगे, क्योंकि 1560 का आपका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 254, ठीक है। उस ईयर से डिवाइड करने वाला आपको पता है कि जिस ईयर में आपने ये एस एस सी जो है वो एस एस सी ने ये कैपिटल एसेट जो एक्वायर करी, ठीक है। बट अगेन आपको यहाँ पर लिखना है कि ये जो अबाउट टैक्सेबल दोगे वो कौन सी ईयर में दोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। क्योंकि 2021 में पहला आपको कब मिला, पहला अमाउंट कब मिला 1920 में, तो पूरा का पूरा, ठीक है। चाहे आपको बाद में चेक कितना मिला हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पहला जो कंपनसेशन जिस ईयर में मिला उसी ईयर में वो टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टेक अनदर एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल देखिए। इन द ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2-3 द एस एस ए परचेज अ लैंड ऑफ ₹16 लाख एंड इन द फाइनेंशियल 16-17 द गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर्ड दिस कैपिटल एसेट एंड फिक्स्ड अ कंपनसेशन ऑफ ₹75 लाख, ठीक है। एंड देन द एस एस ए रिसीव्ड इन दिस कंपनसेशन इन 17-18। सो अब आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा, जैसा भी ऊपर एग्जाम्पल देखा, कि ये जो अमाउंट है ये कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा, कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा, ये 17-18 में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ना किसी की भी एसएससी की कैपिटल एसेट एक्वायर कर सकती है, ठीक है। इसका गवर्नमेंट का पूरा वो राइट है, इस पर कोई भी एसएससी इस पर कोई क्वेश्चनेबल कोई रेज नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का हक है, क्योंकि ये पूरे मतलब कंट्री की या स्टेट वाइज डेवलपमेंट का सवाल होता है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर किसी एसएससी को ये लगता है कि नहीं इस पर जो गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन दिया वो काफ़ी कम दिया है, तो उसका आपका पूरा हक है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जो इसकी आप केस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप जो है मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके आप इसकी अपील कर सकते हो। अब मान लीजिए हाई कोर्ट ने 1920 में ये बताया कि एसएससी को 15 लाख का एनहांस कमीशन मिलना चाहिए, कब डिसाइड हुआ 1920 में, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको पता ही है कि जो 75 लाख पे जो ऑलरेडी टैक्स है वो तो एसएससी ने दे दिया होगा, जो भी ऊपर एग्जाम्पल था वो सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो एनहांस कमीशन एनहांस जो कंपनसेशन मिला ये कौन से ईयर में कितना है टैक्सेबल होगा, इसका देखिए रूल यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। जैसे अभी हम ऊपर पन्ना में पढ़ा कि जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ जिस ईयर में कंपनसेशन मिला उसी ईयर में वो टैक्स हो जाता है। एनहांस कंपनसेशन अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कितना दिया 15 लाख का, लेकिन गवर्नमेंट ने एनहांस कमीशन कब दिया 1920 में 8 लाख एंड 2021 में 7 लाख। सो इस केस में एनहांस कमीशन कहते हैं जितना अमाउंट जिस ईयर में मिला वही अमाउंट टैक्सेबल होगा, ठीक है। यानी कि 1920 में असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा 2021, तो एसएससी जो 8 लाख के हिसाब से जो है टैक्स पे करेगा। देन इन द ईयर 2021-22 द एसएससी विल पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन कैपिटल गेन अमाउंटिंग ऑफ ₹7 लाख, ठीक है। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ कि कैसे होगा। पहले तो आपको एग्जाम्पल लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18। पहले तो आपको जो पहला पोर्शन जो मिला दैट इज 75 लाख, वो कब टैक्स बोला 16-17 में, उसका एसएससी टैक्स कब पे करेगा 17-18 में, ठीक है। सो देखिए उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, सेल्स कंसीडरेशन ₹75 लाख लेस इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में खरीदी थी 16 लाख में,
कौन से ईयर में पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा अप टू 1617, ठीक है? तो उसका कितना है आपका सी आई आई, दैट इज 264 डिवाइड बाई 105। नाउ वी विल गेट 40,22,857, दैट मीन्स 34,77,143। ठीक है आपका एल टी सी जी, दैट मीन्स नाउ दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एस एस सी इन द असेसमेंट ईयर 17-18। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, यस देखिए जरा, देखिए यहाँ तक तो आपका जितना भी टैक्सेबल अमाउंट तो बता आपने निकाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने निकाल लिया, बट अभी जो एनहांस कंपनसेशन मिलना है उसका तो आपको अमाउंट टैक्सेबल निकालना है। पहले क्या निकालेंगे आप, फोर्थ असेसमेंट ईयर पहले निकालोगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, उसको देखिए सेल्स कंसिडरेशन कितना आएगा, देखिए कितना अमाउंट मिला था, पहले कितना अमाउंट मिला था 8 लाख, ठीक है, लेस क्या करेंगे हम इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो तो नील है क्योंकि कुछ आए है ही नहीं, लेकिन इसमें अगर आप कुछ माइनस कर सकते हो तो क्या माइनस हो सकता है, लेस लीगल प्रोसीडिंग्स में जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंस ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स, सो वो आप माइनस कर रहे हो, बट किसमें कुछ गिवन नहीं है तो अभी मैं नील ही कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो गेन आएगा कितना है, 8 आएगा। अब वो ध्यान समझना, यहाँ पर आपका जो आएगा गेन कौन सा आएगा, कैपिटल गेन कौन सा, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि जो ओरिजिनल नेचर था कैपिटल गेन का, उसी सेम कैपिटल एसेट पे आपको एनहांस कमीशन मिला, तो ये नेचर जो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ एल टी सी जी है तो यहाँ पर भी एल टी सी जी पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर यहाँ एस टी सी जी है तो यहाँ पर भी आपको एस टी सी जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपने टैक्स दे दिया 1920 तक, अब नेक्स्ट कौन सा रहेगा 2021 का 7 लाख का, अब इस पर टैक्स देंगे, सेल्स कंसिडरेशन देखिए कितना अमाउंट मिला था 7 लाख, लेस से करेंगे अमाउंट, आई सी ओ ए वो तो आपका आएगा ही नहीं, दैट मीन्स पूरा का पूरा 7 लाख जो वो टैक्स हो जाएगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो ये था आपका पूरा एग्जांपल कि एनहांस कंपनसेशन आपका टैक्सेबल का हुआ, जिस ईयर में जितना आपका अमाउंट मिला वही अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए थोड़ा थोड़ा करके आपका एग्जांपल आपका जितना हैवी होता रहेगा आपको बहुत अच्छे समझना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,
इन द फाइनेंशियल ईयर 2-3 एसएससी ने परचेज की एक कैपिटल एसेट अमाउंटिंग ₹10 लाख। 14-15 में गवर्नमेंट ने वो एसेट जो कंपलसरी एक्वायर कर ली, जिस पर गवर्नमेंट ने कंपनसेशन फेस किया कितना 75 लाख। ठीक है, अब इसकी जो पेमेंट है, ये जो पेमेंट है, ये तो पेमेंट आपको एसएससी ने 15-16 में ये पूरी की पूरी जो पेमेंट जो है वो मिल गई, रिसीव्ड हो गई 15-16 में। ठीक है, अब 16-17 में एसएससी ने हाई कोर्ट पे गया। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने एनहांस कमीशन के लिए, कंपेंसेशन के लिए उन्होंने अपील की। अब 16-17 में जब ये हाई कोर्ट के पास केस आया, तो हाई कोर्ट को लगा कि इस केस में जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा कि इसमें कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए कितना नहीं। तो यहाँ पर क्या करती है हाई कोर्ट जो है कहेगा कुछ एसएससी को लाइक कुछ दया दिखा देती है कि इस पे जो है हम अभी मांग के चलते हैं एक इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि एसएससी को एनहांस कमीशन 4 लाख रुपये मिलना चाहिए। ठीक है, बाद में देखिए हो सकता है इससे ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इसका एडिशन मिल जाएगा, अगर नहीं मिला कम मिला तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट को सॉरी कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है कि जज को पहले से पता होता है कि इस केस में जी कितना टाइम लगने वाला है कितना नहीं। ठीक है, तो एसएससी को इस पर कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, कि क्योंकि देखिए कोर्ट के बहुत चक्कर करते हैं, बहुत खर्चा लगता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या करती है इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका 4 लाख रुपये का एक एनहांस कमीशन दे देती है। अब लेकिन ये जो फाइनल ऑर्डर आया, ध्यान से देखिए फाइनल ऑर्डर कब आया, इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 कितने का आया 12 लाख रुपए का। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने पहले ही 4 लाख रुपए को दे रखे हैं, अब कितने मिलने हैं 8 लाख। वो 8 लाख कब मिले हैं 26-27 में। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार, अभी उन ऊपर पड़ा, यहाँ तो देखिए आपको समझ आ गया कि यहाँ तो आपको क्या करना है, इस ईयर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आई, इस ईयर तक तो जितना आपको कंपनसेशन मिला एसएससी को वो 15-16 में असेसमेंट ईयर में वो पूरा पे कर देगा। अब जो एनहांस कमीशन आया था ऊपर हमने पढ़ा कि जिस ईयर में जितना एनहांस कमीशन मिला वो टैक्स हो जाएगा, बट यहाँ पर जो है एनहांस कमीशन वो इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिला। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इंटरिम ऑर्डर में के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं होता, ये देखते हैं कि फाइनल ऑर्डर कब आया उसके अकॉर्डिंग होगा। ध्यान से देखिए इंटरिम ऑर्डर इस ईयर में आया, लेकिन फाइनल ऑर्डर कब आया वो 25-26 में। ठीक है, तो 12 लाख रुपए का तो टैक्स है वो कब होगा 25-26 ईयर में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो देखिए 4 लाख रुपए कौन कब होंगे वो 4 लाख रुपए देखिए टैक्सेबल कब होगा वो 25-26 में। ठीक है, एंड 26-27 में 8 लाख के हिसाब से वो टैक्स देगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर जो है एनहांस कमीशन दो पार्ट मिला था 8 लाख रुपये 7 लाख रुपये, तो 8 लाख रुपये 19-20 में टैक्सेबल होगा था एंड 7 लाख रुपये 20-21 में, यहाँ पर वही हो रहा है। बट यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि जो पहले जो 8-4 लाख रुपये मिल गए वो एक्चुअली इंटरिम ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिल गए। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रूल कहता है कि इंटरिम ऑर्डर पे हम नहीं टैक्स देते, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तभी आएगा। क्योंकि देखिए कई बार मान लीजिए फाइनल ऑर्डर गया कई बार रिवर्स होता है, तो गवर्नमेंट को जो है अगर मान लो यहाँ पर टैक्स 4 लाख रुपये लगा देगी तो गवर्नमेंट को बाद में रिफंड देना पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए जो है एसएससी को एक कहते हैं बेनिफिट दे दिया कि नहीं ठीक है, जब फाइनल ऑर्डर को वेट करते हैं, जब फाइनल ऑर्डर आएगा तब देखेंगे। तो फाइनल ऑर्डर कब आया इन दी फाइनेंशियल ईयर 25-26, सो इस ईयर में देखेंगे जो पहले जो 4 लाख रुपये होंगे वो पूरा टैक्स हो जाएगा, और बाकी जो 8 लाख रुपये जब भी एनहांस कमीशन मिलेगा वो पूरा टैक्स हो जाएगा। ठीक है, ना मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सेम एग्जाम्पल है, फाइनेंशियल ईयर 2-3 में एसएससी ने एक लैंड जो एक्वायर करी ऑफ ₹10 लाख। 14-15 में वो एसेट जो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, जिस पर कंपेंसेशन फिक्स करा 75 लाख का। ठीक है, अब हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग एनहांस कमीशन कितना मिला 5 लाख, कौन से ईयर में मिला 2021 में। ठीक है, आप ज़रा सोच के देखिए इस ईयर तक क्या एसएससी वेट करता रह जाएगा, एसएससी बोलेगा
कि भाई मुझे तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। कैसा लॉस हो रहा है कि इस ईयर तक मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो उस पे तो मुझे कोई इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। जी हाँ, ये इसका एसएससी का राइट है कि वो उस पे जो ब्याज मान सके। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनसेशन फिक्स हो गया और इस ईयर में ये जो रिसीव हो गया वो तो टैक्स दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर तो, ठीक है। लेकिन उसको जो है, देखिए यहाँ पर 5 साल उसको वेट करना पड़ा इस एनहांस कमीशन के लिए, कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या करती है, हाई कोर्ट ऑर्डर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस एनहांस कंपनसेशन के ऊपर एसएससी को इस पे ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। सो मान लीजिए यही तो है अभी मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कंपनसेशन मान लीजिए बहुत ज़्यादा मिला, मान लीजिए मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो लीजिए इंटरेस्ट जो मिला वो कितना मिला, सपोज 8 लाख। मैं सिर्फ ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक, ज़रूर नहीं इतना हो, क्योंकि देखिए एनहांस कंपनसेशन में 8 लाख रुपये, तो इतना इंटरेस्ट मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए, चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 80 हज़ार, ठीक है, इतना इसको इंटरेस्ट मिला। अब ये इंटरेस्ट जो है कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो जाके टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना होगा, मिला कितना, 80,000 इंटरेस्ट मिला। उस पर जो है गवर्नमेंट यहाँ पर स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है एट द रेट ऑफ 50%। तो 40,000 था वो उसका डिडक्शन मिल गई, तो वह 40,000 उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जब जिस साल में उसको मिला इंटरेस्ट उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसी में उसकी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एनहांस कंपनसेशन के ऊपर अगर उस पर एसएससी को अगर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है, पहले तो वो टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में जितना मिला, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर जो है स्टेट अवे 50% डिडक्शन दे रही है। क्यों दे रही है वैसे इसको, क्योंकि देखिए उसने 5 साल देखिए कोर्ट में बहुत चक्कर काटेंगे, बड़ा खर्चा होगा, ठीक है। कोर्ट में देखिए बहुत खर्चे होते हैं, तो कभी लीगल फीस बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप किसी लॉयर को हायर करोगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, लाखों में बहुत खर्चे होते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट अवे 50% की स्टूडेंट डिडक्शन दे रही है, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स सेक्शन 45(5), दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, बट हाँ ये जो 45(5) है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था कि इस सेक्शन को मैं अलग से वीडियो में आपको अच्छे से समझा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 45(5A। सेक्शन 45(5A ये किसके बारे में है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या था, बस आप 5 मिनट करिए, आपको पूरा अच्छे समझाएगा ऊपर कंसेप्ट। देखिए मान लीजिए एसएससी है, एसएससी नहीं मान लीजिए आप ही हो। अब बोलोगे सर आपने हमारी शक्ल इतनी बुरी बना दी, देखिए जो जैसा दिखता है वो तो वैसे ही होगा ना, ठीक है ना। चलिए हाँ देखिए, इस एसएससी ने मान लीजिए एक ज़मीन खरीदी है, ठीक है। ये क्या है, एक ज़मीन है, इस एसएससी ने ये ज़मीन जो है कब खरीदी, ऑन फर्स्ट फेब 2005 ऑफ ₹20 लाख। अब इस एसएससी के पास इसको पे मान लीजिए कुछ 5 फ्लोर जो है 5 रेजिडेंशियल यूनिट वो कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, बट इसके पास ना तो कोई नॉलेज है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर समहाउ कोई एक रीज़न है, जैसे मान लीजिए इसके पास कोई एडिशनल फंड नहीं है कि वो इस पे जो है वो 5 रेजिडेंशियल यूनिट को वो कंस्ट्रक्ट करा सके, ठीक है। तो ये एसएससी क्या करते हैं, एक और पर्सन को हायर करते हैं, एक और पर्सन को वो हायर करते हैं जो कि वो बिल्डर होता है, ठीक है। वो एक बिल्डर को अप्रोच करते हैं और वो उसको ये क्या करते हैं, ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र टू बिल्डर।
इसलिए टू कंस्ट्रक्ट फाइव फ्लोर, टू कंस्ट्रक्ट फाइव फ्लोर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पांच फ्लोर जो इनको कंस्ट्रक्ट करने हैं वो बिल्डर बना बना देते हैं। अब मान लीजिए ट्रांसफर कब किया गया, मान लीजिए ऑन 31 अक्टूबर 2016, ठीक है, उनने वेट करा, जमीन पड़ी थी, अब उनको असेसिक दिमाग आया, चलो उस पर पाँच फ्लोर बनाते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो उस पर जो है कर मारते हैं। देखिए ये 31 अक्टूबर 2016 को जो लैंड जो है असेसी ने बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया, किस लिए किया, टू कंस्ट्रक्ट फाइव रेजिडेंशियल यूनिट्स इन दैट कैपिटल एसेट, ठीक है। अब इसके बदले बिल्डर इस एसेसी को क्या देगा, यानी कि इन कंसिडरेशन इसके बदले क्या मिलेगा इसको, देखिए यहाँ पर बिल्डर क्या कर सकता है, उस एसेसी को क्या बोलेगा कि मैं आपको ये तीन यूनिट दे दूंगा, ये तीन यूनिट जो आप रख लीजिए, बाकी यूनिट मैं रखूंगा। बाकी यूनिट कौन रखेगा, बिल्डर, लेकिन जो तीन यूनिट है वो कौन लेगा, असेस जिसने पहले जो है लैंड ट्रांसफर कर दिया। सो बिल्डर कहता है कि या मैं आपको तीन रेजिडेंशियल यूनिट दे दूंगा प्लस लैंड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई एडिशनल अगर कोई अमाउंट से होगा, मान लीजिए सपोज 15 लाख, मैं इस पर आपको कैश या फिर कोई एक मनी टर्म चेक या कैश जो भी दे सकता है वो मैं आपको पे कर दूँगा, ठीक है। तो देखिए दोनों मिलके इस लैंड पे देखिए रेजिडेंशियल यूनिट्स बना रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इस पर कैपिटल गेन अराइज होगा, जी हाँ होगा, कौन पे करेगा, असेसी पे करेगा यहाँ पर, क्योंकि असेसी ही जो है वो ट्रांसफर है यहाँ पर, जिसने लैंड को जो बिल्डर को ट्रांसफर करी, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए क्वेश्चन आ रहा होता है कि टैक्सेबल कब होगा और कौन से अमाउंट पे टैक्सेबल होगा। देखिए अगर आप जनरल रूल के अकॉर्डिंग देखिए, जनरल क्या कहता है, क्या कहता है, पहले देखेंगे कि टैक्सेबल ईयर कौन सा होगा, इन विच ईयर दैट कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय ओरिजिनल असेसी, ठीक है, यानी कि कोई किसी असेसी ने जो अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया उसी ईयर में जो वो टैक्सेबल होगा, जनरल तो यही कहता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो इस केस में ये जो अमाउंट है, जो ये अमाउंट मिलेगा वो कब मिलेगा, 3 यूनिट्स प्लस 15 लाख कैश और चेक, ये कब मिलेगा। देखिए रिकंस्ट्रक्ट करने में, पूरा कंस्ट्रक्शन करने में देखिए 5 रेजिडेंशियल यूनिट मिली है, तो कम से कम अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ देखो तो कम से कम देखिए 2 से 3 साल तो लग जाएंगे, अगर आप कोई अच्छे से बनाएगा प्रोफेशन होगा तो कम से कम इतना टाइम तो लेगा लेगा, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जिस ईयर में ये आपको 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल यूनिट्स प्लस जो आपको मनी टर्म जितना भी आपको कैश या चेक मिलेगा वो आपको उसी ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको ये मिला, ठीक है। पहले एक बार आप और ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, टैक्सेबल ईयर, टैक्सेबल ईयर, देखिए अगर कोई एसएससी इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है, क्या बोला हुआ है, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर ये एसएससी जो ट्रांसफर है ये अगर इंडिविजुअल है या एचएफ है, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रही है, एज पर सेक्शन 45(5)(5)(a) कि आपको टैक्सेबल उसी ईयर में देना है जिस ईयर में आपको कंपेंसेशन मिला, तो एक कंपेंसेशन नहीं, जिस ईयर में आपको जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी ईयर में आपको जो है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
यहाँ पर पहले एसएससी देखना है, एसएससी कौन है, इंडिविजुअल या एचईएफ। सिर्फ इन्हीं दोनों को जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन दिया है कि इनका टैक्सेबल ईयर कब होगा, जब उस लैंड में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यूनिट्स बन रही है, जैसे ही उसकी कंसेशन कंप्लीट हो जाएगी उसी ईयर में एसएससी को यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कंसेशन पीरियड है ना, ये बताएगा कौन, एसएससी खुद नहीं बताएगा। एसएससी को यहाँ पर जो एक रिटर्न में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से स्टैंप लगाने पड़ेगा कि इतने टाइम में ये कंसेशन इस डेट को जो कम्प्लीट हुई है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई और हुआ तो, कोई और अदर एसएससी हुआ तो उसके लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। कोई और अदर एसएससी हुआ, दैट मीन्स कोई बिजनेसमैन हुआ, कोई कंपनी हुई, कोई फॉर्म हुई, तो उस केस में नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, वही जनरल रूल, जनरल क्या कहता है, दैट कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल, कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। जिस ईयर में ट्रांसफर हुई उसी ईयर में वो टैक्स होगा, यानी कि इसी ईयर में कब ट्रांसफर हुई है, 1670 ने, इसी ईयर में वो टैक्स हो जाएगा। यानी कि इस ईयर में देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सेल कंसेशन क्या होगा, किस केस में, 45(5) में, ठीक है। यहाँ पर देखिए देखिए इस केस में तो सेल कंसेशन आराम से पता चलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी, और कितने में खरीदा था, 20 लाख में खरीदा था, कॉस्ट ऑफ वैकेशन पता है, ठीक है, इंडक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 45(5)(a) जब लगता है तो उस केस में सेल कंसेशन होगा, क्योंकि देखिए बदले में मिल क्या कर रहा है, ये मिल रहा है 3 रेजिडेंशियल यूनिट्स। अब उसकी वैल्यू कैसे होगी, देखिए 3 रेजिडेंशियल यूनिट्स होगी ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो एज पर डिसाइड होगी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो म्यूनसिपैलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है कि उस एरिया में सर्कल रेट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो डिसाइड होती है। तो उस केस में देखेंगे 3 रेजिडेंशियल यूनिट की जब वो कंसर्ट होगी तो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होगी, प्लस जो एडिशनल मॉनिटरी टर्म्स में जितना भी मिला वो क्या जाएगा आपका सेल कंसेशन, ठीक है। तो इस केस में देखिए सेल कंसेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ओके। तो ये था आपका पूरा केस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अच्छा, लेट मी टेल यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन टू ओनली थ्योरीज, यानी कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, बट ये थ्योरेटिकल बेस के लिए काफ़ी बार आया है, तो उसको आप प्रोविजन अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन 45(2)(a). क्या है इसमें, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन अ डिपॉजिटरी, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई एसएससी है, ठीक है, अब इन्होंने टाइटन कंपनी के टाइटन कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, शेयर परचेस किए उन्होंने, कितने कितने शेयर परचेस किए, उन्होंने 2000 शेयर परचेस किए एट द रेट ऑफ 50, कब, ऑन 1st Feb 2015। उन्होंने फिर से 1500 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 48, मार्केट डाउन हुआ 2 साल बाद, तो फिर उन्होंने ले लिया, कब खरीदा ये, 1st मार्च 2018 को, ठीक है। ये क्या किया मैंने आपको, परचेज, ठीक है। अब उन्होंने इन शेयर में से कुछ शेयर उन्होंने बेच दिए, सोल्ड 2600 शेयर्स एट ₹60 each ऑन 31st दिसंबर 2019, ठीक है।
अब क्या चल रहा है, ये डीमेट फॉर्म चल रहा है, कोई भी शेयर परचेस पर डीमेट फॉर्म के थ्रू होता है। तो अगर वो किसी ऐप के थ्रू या अगर कोई भी लाइक इलेक्ट्रिक मोड से खरीद रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में देखिए शो क्या होगा। पहले क्या शो करेगा कि उसके पास 3,500 शेयर्स हैं और इसका एवरेज प्राइस आ जाएगा, दैट मीन्स कितना आएगा 49, इसके हिसाब से उसके वो शेयर्स आएंगे। ठीक है, अब जब वो बेचेगा तो वो 60 रुपये के हिसाब से बेचेगा। ठीक है, बट अब ये क्वेश्चन रेज होता है कि 2,600 शेयर्स बेच रहा है वो सस्ती में, तो वो शेयर्स बेचेगा कैसे, यानी कि इसमें से बेचेगा कि इसमें से बेचेगा। क्योंकि देखिए आपको अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए वो इसमें से बेचता है तो कौन सा कैपिटल गेन अराइज होगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर वो यहाँ से बेचेगा तो कहाँ से तो कितना लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये एसएससी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो एसएससी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाएगा क्योंकि उस पर टैक्स रेट कम है। ठीक है, और अगर उस पर गया तो लॉन्ग, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म में तो 20% होगा। तो एसएससी अपने टोटल इनकम के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर लेगा कि इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाना है। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं, यहाँ पर एक सिंपल रूल बनाया है कि एसएससी चाहे कितनी भी शेयर बेच रहा हो तो वो कौन सा सबसे पहले शेयर बेचेगा उसको अप्रोच लगानी पड़ेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो शेयर पहले परचेस किए हैं पहले उसमें से शेयर आपको सोल्ड आउट करने पड़ेंगे, और रिमेनिंग शेयर जो बाद में करें वो होंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर टैक्स लाइबिलिटी देखिए कैसे निकलेगी। देखिए सेल कंसिडरेशन देखिए कितना होगा, ये मैं कर रहा हूँ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो पहले जो 2,000 शेयर्स हैं वो किस में से बेचे जाएंगे, वो यहाँ से बेचे जाएंगे 2,000 शेयर्स। कितने बेचे वो 60 पे, दैट इज ऑफ ₹1,20,000। ठीक है, लेस क्या करेंगे हम, इंडेक्सेशन लगेगा यहाँ पर क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहा है। कितने शेयर परचेज किए थे, 2,000 शेयर परचेज किए थे एट ₹50 ईच। ठीक है, अब इस पर इंडेक्शन लगेगा, कब बेचे थे इसको 1920 में, कब खरीदा था 1415 में, कितना आएगा 240। ठीक है, तो देखिए इसको अब कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा आपका, ये अमाउंट आएगा आपका 1,20,467। तो इस केस में जो लॉस हो गया 417 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब उसी में आपको क्या देखो, सेल के से दोबारा बाकी जो शेयर बचे वो कितने बचे, 600 शेयर्स बचे हैं। तो 600 शेयर जो खरीदे थे वो कितने कितने बचे होंगे, 600 रिमेनिंग कितने होंगे 60 के बचे, दैट मीन्स 36,000। ठीक है, अब इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लग रहा है तो इंडेक्सेशन तो होगी नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। अब वो 600 जो शेयर थे वो कितने में खरीदे थे, एट ₹48, दैट इज 28,800 माइनस करके बाकी क्या बच गया आपका 7,200, दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, सो शेयर्स पे जो भी कैपिटल गेन आ जाएगा वो ये होगा। मेन जो आपको सिर्फ लिखना है कि जो भी ऐसा सिक्को कितने भी शेयर बेच रहा हो तो वो उस पर FIFO जो है वो अप्रोच है वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, सो देखिए इस वीडियो हमने देखिए 3 सेशन कवर कर लिए, तीनों सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो चैनल टू योर फ्रेंड्स इन अदर कॉलेज ऑल्सो। थैंक यू।